आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई गांव से निकलकर अब शहर की ओर रुख कर चुकी है। आदिवासियों की जल जंगल जमीन को बचाने शहर के लोग भी अब एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक में भी शहर के गणमान्य नागरिकों की ओर से घड़ी चौक से लेकर महामाया चौक तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। दरअसल हसदेव अरण्य के जंगल को कोल खनन के लिए काटने की तैयारी की जा रही है और अब तक लगभग 500 से अधिक पेड़ों को काटा जा चुका है, जिसको लेकर आदिवासियों ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। अब यह विरोध की आवाज शहरों तक पहुंच चुकी है। यही कारण है कि जल जंगल जमीन बचाने को लेकर शहर के लोगों में भी इसका खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। शहर के लोगों की माने तो हसदेव अरण्य के जंगल कट जाने से आदिवासी ग्रामीण अपने गाँव से दूर जगह विस्थापित हो जाएंगे। वही सरगुजा के आदिवासियों की बनी पहचान और संस्कृति पर भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर पेड़ कटने से भूजल के स्तर भी घटने लगेंगे, साथ ही प्राकृतिक में जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसमें भी बदलाव आने लगेंगे। साथ ही साथ इसी को देखते हुए शहर के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर जिला प्रशासन से हसदेव के जंगल को ना काटने की अपील की है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पूरे विश्व और भारत में भी और ख़ास तौर पर हमारे सरगुजा में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व में जो नेता थे इसी आंदोलन के लिए पूरे राहुल गांधी से लेकर सब लोग आए थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि हमारे 3000 पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। तो आज हम पेड़ बचाओ, हसदेव बचाओ और अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए एक जन जागरण का स्वरूप आज चालू किए हैं। इससे पूर्व भी हम लोग बैठक किए थे, उसमें एक जन जागरण के माध्यम से कि हम कैसे अपने जंगल को बचा सकते हैं, कैसे हमारे जो बदलते जो संस्कृति है, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति बदलते जा रही है, हमारे वहाँ के जंगल के जो लोग हैं वो भाग के दूसरे जगह में जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए आज जन जागरण अभियान हम लोग शुरू किए हैं। निश्चित तौर पर इसमें जनता का अपार समर्थन है, यहाँ के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं और ख़ास तौर पर वहाँ के लोगों का तो वो बताएंगे, लेकिन शहरों में जिस प्रकार से उसको लेकर पूरा यहाँ से लेकर पूरे सरगुजा भारत में इसका विरोध चल रहा है, उसको लेकर आज हम लोग मानव श्रृंखला के रूप में आज जन जागरण कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हसदेव के जंगल ना कटे। अगर हसदेव के जंगल कट जाएंगे तो जो जल है और बाकी व्यवस्था, एक जो प्रकृति की व्यवस्था है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जंगल किसी भी हाल में नहीं कटना चाहिए और एक जो प्रकृति ने एक व्यवस्था बना के रखी है उस व्यवस्था पर चले, क्योंकि इसका प्रभाव खाली एक दो महीने या दो साल या ये एक लंबे टाइम के लिए व्यवस्था है और प्रकृति ने अपनी व्यवस्था बहुत तगड़ी बना के रखी है। अगर जंगल कट गए तो आदिवासियों के साथ साथ बाकी पूरी व्यवस्था ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जंगल न कटे। आज हम लोग ये हमने पहला स्टेज हमारा ये है कि हमने मानव श्रृंखला बनाई है। इसके बाद स्टेज बाई स्टेप हम लोग एक एक का मतलब प्रशासन को जगाने के लिए और लोगों को जगाने के लिए हम लोगों से जो होगा वो अब करेंगे।